गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु यानी शिक्षक की महिमा अपार है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, कवि, संत, मुनि आदि सब गुरु ही की अपार महिमा का बखान करते हैं। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला गुरु ही होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 5 सितंबर को देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को जन्मे देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, राधाकृष्ण जब देश के उपराष्ट्रपति थे तब स्टूडेंट्स ने उनका जन्मदिन मनाने का आग्रह किया था। तब राधाकृष्ण जी ने स्टूडेंट से कहा था कि मेरा जन्मदिन को मनाने की जगह यदि इसे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए तो मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस, मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसके बाद से ही राधा कृष्ण का जन्मदिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। राधा कृष्ण एक शिक्षक के साथ साथ दर्शन क्षेत्र के प्रोफेसर भी थे और भारत के लिए उपराष्ट्रपति रहकर देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। दोस्तों, देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक तिरुमपुरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह किताबें पढ़ने के शौकीन थे। स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर से वह काफ़ी प्रभावित थे। 40 वर्ष तक उन्होंने शिक्षा के रूप में कार्य किया। 1954 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न समेत कई सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। 1952 से 1962 के बीच वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल खत्म होने के बाद राधाकृष्ण ने राष्ट्रपति पद संभाला। दोस्तों, शिक्षक दिवस हर साल पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के मौके पर ही मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्ण एक बेहतरीन शिक्षावादी थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 27 बार नोबल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। टीचर्स डे के मौके पर स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के सम्मान में कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। अपने टीचर के लिए सम्मान व्यक्त करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई फूल देकर उनके प्रति सम्मान जताता है तो कोई पेन आदि देकर उनसे आशीर्वाद लेता है। इसके अलावा राष्ट्र स्तर पर टीचर्स डे के दिन शिक्षकों को उनके कार्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार में से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार हर साल देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, जहां इस दिन का स्टूडेंट्स और टीचर्स की ज़िंदगी में खास महत्व है, वहीं शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जीवन में शिक्षा का उजाला गुरु के माध्यम से ही होता है और छात्र जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।